दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 258 की ट्रेलर को नॉवल के जरिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरी दूसरी चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कल से सोल लैंड की नॉवल को उसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा ट्रेलर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर टैंशन का सी गॉड इनहेरिटेंस स्टार्ट हुई थी, जिसके साथ जैसे ही टैंशन का इनहेरिटेंस स्टार्ट होती है तो इसमें टैंशन को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी टैंशन को सी गॉड की बात याद आती है कि उन्होंने बताया था यह इनहेरिटेंस 8 भागों में कंप्लीट होगा और तुम इसमें अलग अलग दर्द और ट्रायल्स को महसूस करोगे और साथ ही इसमें तुम्हें लाइफ और डेथ का चिंता भी होगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टैंशन का इनहेरिटेंस आगे बढ़ती जाती है तो इस ट्रायल में टैंशन को उतना ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी साथ ही टैंशन कहता है सी गॉड्स के 9th टेस्ट उतना आसान नहीं है जितना मैं सोचा था। यह मेरी सोच से भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे इस प्रोसेस में टैंशन के सारे सोल बोन को उसकी बॉडी से एक एक करके अलग कर दिया जाएगा और उन सभी सोल बोन की पावर को गॉड लेवल तक बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रोसेस में टैंशन को अलग अलग अल्यूशंस को दिखाई दिया जाएंगे, जिसमें टैंशन को खुद को कंट्रोल करके रखना होगा, तब जाकर ही यह ट्रायल्स कंप्लीट होगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टैंशन की बॉडी से एक के बाद एक सोल बोन अलग हो जाते हैं तो टैंशन का 5th ट्रायल कंप्लीट हो जाती है। तो लास्ट के ट्रायल में डेमोनिक वाले किंग की सोल बोन टैंशन के बॉडी से अलग होने वाली होती है, तो तभी वहां पर काफी ज्यादा डेमोनिक वाले किंग के आंखें दिखाई देती है और उस सोल बोन से एक पर्पल कलर की डीप सी डेमोनिक वाले किंग बाहर निकल आती है और आते ही टैंशन से कहती है कि टैंशन आखिरकार तुम मुझे इनहेरिटेंस में ले आई हो, बस मुझे इसी मौके का इंतजार था, अब मैं सी गॉड का पद को प्राप्त करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वह डीप सी डेमोनिक वाले किंग दोबारा से ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, जिसे देखकर टैंशन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके अगले सीन में हम टैंशन को एक अल्यूशनरी दुनिया में देखते हैं, जिसमें बीबी डोंग अपनी लोगों के साथ में मिलकर सी गॉड आइलैंड को कब्जे में ली होती है, जिसके साथ जैसे ही टैंशन बीबी डोंग को देखता है तो वह ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बीबी डोंग यहाँ पर कैसे आ सकती है और वह सी गॉड आइलैंड को कैसे कब्जा कर सकती है। वैसे असल में यह एक इल्यूजन होता है। यदि अगर इस इल्यूजन में टैंशन गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम उठाता है तो वह इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इधर बाहर खड़े सभी श्रेक डेविल्स भी इस नजारा को देख रहे होते हैं कि तभी जीवू टैंशन को आवाज देती है और बताती है कि यह एक इल्यूजन है, ब्रदर बाहर मत आना। यदि अगर तुम एक बार बाहर आते हो तो फिर कभी भी वर्से के गेट में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तभी टैंशन हैरानी से कहता है बीबी डोंग, जिस पर बीबी डोंग कहती है तुमने सही अनुमान लगाया, इस डोलुओ कॉन्टिनेंट में ये सी गॉड आइलैंड मेरे वुहान साम्राज्य का है। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।